कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम किसी सिन्हा ऑथर के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 22 और 23 को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 22 का दिया गया है, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 में टोटल दो भाग दिया गया है। पहला भाग दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अंत त्रिकोणमितीय अनुपातों का को प्रकलित कीजिए। प्रकलित मतलब मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा के अलावा और कितने त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं और एक दिया गया है सेक थीटा। तो हमें बाकी के पांचों कॉस टैन सेक कोसेक सभी का मान निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो आइए हम इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखेंगे यहाँ पे और पहला है, पार्ट वन है हल। देखिए दिया क्या गया है, तो दिया गया है क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 2, ठीक है। तो देखिए 2 नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1 लिख सकते हैं हम। तो देखिए अब सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, एच बाय यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। तो यहां से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, तो परपेंडिकुलर का पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो एच का मान कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, ठीक है। एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। 4 में से एक गया तो रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो नहीं दिखा होगा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आसान भाषा में लिखा हुआ आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमें आप सर देखिए यहाँ पे पी एच भी मालूम है, पी भी मालूम है और यहाँ पे पी भी मालूम है, बी भी पी भी, सारा तीनों भुजा हमें मालूम है, ठीक है। तो अब हम किसी भी अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है रूट 3 और हाइपोटेनस है 2। इसी तरह से हम ले लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस कितना है, 2 है और बेस क्या है, 1 है। नहीं नहीं कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है, ठीक है। तो उल्टा हो गया, हाइपोटेनस बाय बेस होता है, तो क्या हो जाएगा, बी बेस बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 1 है और हाइपोटेनस 2 है, ठीक है। इसी तरह से आप टैन का निकाल लेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए परपेंडिकुलर रूट 3 है और बेस क्या है, 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता नीचे में। इसी तरह से हम कॉट थीटा कर ले लेंगे, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है तो 1 बाय रूट 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम कोसेक थीटा ले लेंगे, कोसेक थीटा क्या होता है, तो एच बटे पी होता है यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 2 है और परपेंडिकुलर रूट 3 निकला है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट वन सॉल्व हो चुका है, अब चलिए पार्ट टू की ओर चलते हैं। तो देखिए पार्ट टू दिया गया है, क्या दिया गया है पार्ट टू, कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, ठीक है, 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना कीजिए। तो हमें इसमें भी सेक थीटा छोड़ा के सारा का गणना करना है, ठीक है। तो आइए हम गणना कर लेते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, लिखेंगे दूसरा और हल। दिया गया है क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो 13/12 क्या है, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाय बेस होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर हम ट्रिपलेट पढ़े हैं पहले, तो ट्रिपलेट हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है क्या होता है, 5/12/13। तो ये देखिए 13 और 12 दिया गया है, तो एक भुजा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तीनों भुजा मालूम चल गया, हम आसानी से सारे भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं, सारी अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते। तो पहले हम साइन थीटा के ले लेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमें कितना निकला है, पी 5 निकला, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे देखिए 13 है। इसी तरह से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस,
बेस कितना है 12 है और हाइपोटेनस कितना है 13 है। इसी तरह से हम टैन का निकाल लेंगे। तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 है और बेस क्या है 12 है, ठीक है। इसी तरह से हम कॉट का भी निकाल लेंगे। तो कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस 12 है और परपेंडिकुलर 5 है। अब हम कोसेक का निकाल लेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस कितना है 13 है और परपेंडिकुलर कितना है 5 है। ये क्या आ जाएगा, सारी आंसर हो जाएगा। पार्ट टू ये था, ठीक है। अब चलिए हम 23 की ओर चलते हैं, पर संख्या 23। तो पर संख्या 23 क्या दिया गया है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। पर संख्या 23 दिया गया है यहाँ पे, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हल कर लेंगे। हल दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, कोसेक थीटा बराबर √10, ठीक है, ये दिया गया है। इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से हमें बेस का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे। तो देखिए बेस का करने के लिए क्या होता है, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना, √10 और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट और यहाँ से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए तो 10 में से 1 गया तो 9, और ये क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट से निकलेगा। तो बेस बराबर हमारा कितना निकल गया, 3 निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाले। तो सभी में तो साइन टाइम सारा आ जाता है, तो साइन पहले निकालेंगे। साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इतना यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस क्या है, 3 है, ठीक है। क्या है, 3 है, हाइपोटेनस क्या है, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनस √10 है, ठीक है। क्या है, √10 है, तो 1 बाय √10 हो जाएगा। कॉस थीटा हम करेंगे, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 3 है और हाइपोटेनस √10 है, ठीक है। टैन का हम कर लेंगे, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है, 3 है, ठीक है। उसके बाद हम कॉट थीटा की बात कर दे, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 3 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक और बचिया, कोसेक, कोसेक थीटा तो दिया ही गया था, तो सेक बच गया, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय पी होता है, ठीक है, एच बाय बी होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस बाय बेस होता है। हाइपोटेनस कितना दिया गया है, हाइपोटेनस √10 है और बेस कितना है, 3 है, ठीक है, बेस कितना है, 3 है। तो ये सारी क्या आ जाएगी, हमारी आंसर। आई होप कि आपको पर संख्या 22 23 दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।